आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं भारत स्टेट 7 के बारे में। अगर भारत स्टेट्स की हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो 2000 से अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियंस के जो यूरो नॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर ही जो है हमारा भारत स्टेट्स 2 या फिर जो है हमारे जितने भी भारत स्टेट्स 3, 4 एंड सो ऑन आते रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियंस के बारे में तो अभी यूरोपियन यूनियंस ने 1 जुलाई 2025 से यूरो 7 लागू करने का जो है ऐलान कर दिया गया है। सेम टाइम पे आप देखेंगे कि नितिन गडकरी से जब ये सवाल पूछा गया था उन्होंने कहा था कि यूरो 7 से ही डिराइव होगा हमारा भारत स्टेट 7। तो अगर बात करी जाए यूरो 7 के अंदर तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप या प्रपोज किए गए हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है, जो हमें भारत स्टेट 7 में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है भारत स्टेट 7 में ऐसे कौन से प्रपोज यूरोपियन यूनियंस के जो नॉर्म्स हैं उनको लिया जाएगा या उनको हम देख सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि भारत स्टेट 7 में कौन कौन से न्यू इमिशंस ऐड हुए हैं, क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है हमें स्ट्रिक्ट इमिशन नॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कई कई चीज़ें ऐसी थी जो हमने यूरोपियन यूनियन 6 में या भारत स्टेट 6 में जो है हमने उसको मिस कर दिया था, अब वो हमें भारत स्टेट 7 में देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जाएगी, उसको जो है हमने 80 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर से घटा के 60 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर कर दिया है। पर्टिकुलेट मैटर्स जिसकी वजह से जो बेसिकली सस्पेंडेड रहता है हमारे एनवायरमेंट में, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, अगर हम उसको ब्रीथ कर ले तो कैंसरस हो सकता है, उसको भी जो है यहाँ पे हम पहले ग्रेटर देन 23 न्यूटन मीटर्स के जो पार्टिकल थे उनको कैप्चर करते थे, अब जो है हमें देखने को मिलेगा कि हम आगे चल के 23 से लेके 10 न्यूटन मीटर्स तक के जो पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर करेंगे। अब अगर बात करी जाए एडिशंस ऑफ इमिशन नॉर्म्स की जिनको हम कैप्चर करने वाले हैं, उसके अंदर जो है हमारा टोटल हाइड्रोकार्बन्स या नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये टोटल हाइड्रोकार्बन्स और जो नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम पहले यूरो 6 के अंदर मॉनिटर नहीं करते थे, उनके ऊपर कोई लॉज नहीं थे, उसके ऊपर कोई भी हमने एक ऐसा बैरियर नहीं लगाया हुआ था। यही चीज़ जो है अब आपको देखने को मिलेगी यूरोपियन यूनियन के 7 में, आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। अगर आप देखेंगे कि हमारा टीएचसी जो है, जो टोटल हाइड्रोकार्बन्स है, उसको हम 100 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर करने वाले हैं और साथ ही में नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स जो है उनको हम 68 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस मीथेन का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी जो है हम इस बार मॉनिटर कर रहे हैं, उसको जो हम करेंगे 20 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर। तो ये तीन जो नए हाइड्रोकार्बन्स ऐड हुए हैं इसके अंदर या नए इमिशंस या गैसेस जो इसके अंदर ऐड हुए हैं वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉस की तरफ ले जा रहा है। सेकेंड पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा न्यू पॉल्यूशन रेगुलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब यूरो 7 के अंदर जो है आपको टायर्स एज वेल एज ब्रेक पैड से जो डस्ट निकलती है उनको भी हम रेगुलेट करेंगे। इनकी भी वैल्यूज़ दी गई हैं यूरोपियन यूनियंस के द्वारा जो प्रपोज किया गया है, अब कहाँ तक ये एक्सेप्ट होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो नंबर्स दिए गए हैं वो ये है कि टायर्स के अंदर से जो है आपके जो इमिशंस कंसिडरेशन में लिया गया है वो पार्टिकुलेट मैटर्स लिया गया है, क्योंकि उसमें से रबड़ होता है, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो निकलना चाहिए वो 2.5 न्यूटन मीटर से लेके 10 न्यूटन मीटर्स के बीच में निकलना चाहिए, जिसके लिए हम बहुत सारे सिस्टम्स बना रहे हैं जो ट्रैप करेंगे, वो किस तरीके से होगा वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेक्स के लिए अगर मैं बात करूँ जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मटेरियल एंड नए तरीके के ब्रेक सिस्टम्स आपको देखने को भी मिल सकते हैं, ताकि वो जो इमिशन 7 के जो यूरो नॉर्म्स जो है उनको हम मीटअप कर सके। सेम आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है यही सेम टेक्नोलॉजीज, क्योंकि भारत से 7 के अंदर भी इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। तो उसकी जो वैल्यू है आईसी इंजन और हाइब्रिड के लिए जो रखी गई है वो 7 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर रखा गया है इसके अंदर से जो इमिशंस होने चाहिए, डस्ट ब्रशेस या बूट्स या डस्ट जो निकल रहा है उसकी लिमिट, और ईवी के लिए जो है ये रखा गया है 73 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर। तो ये जो नंबर है 7 से लेके 3 का, डिपेंडिंग अपॉन द इंजन, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं न्यू पॉल्यूटेंट्स के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो या सबसे नया जो एडिशन हुआ है वो है हमारा एमोनिया। अभी तक जो है एमोनिया को हम यूज़ करते थे एज अ सेलेक्टिव रिडक्शंस के लिए, कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते थे, ये जो है बेसिकली हमें अब इसको रेगुलेट किया जाएगा। इसकी वैल्यू जो है हमारे यूरोपियन यूनियंस ने जो रखी है वो रखी है इसकी 10 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर। SCR जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कम करने के लिए, जिसको हम एमिट करते थे टेल पाइप में और उससे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करते थे। अब इसी की वैल्यू हमने जब रिड्यूस कर दिया, इसको ही हम मॉनिटर करने लगेंगे। तो इसको चेंजेस करने के लिए हमें जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमारा SCR सिस्टम इंप्रूव होगा, एमोनियम स्लिप कैटलिस्ट लगने वाले हैं इसके अंदर, थर्मल मैनेजमेंट अच्छा होने वाला है और हाइब्रिड पावर ट्रेन ऐड होने वाले हैं।
हाइब्रिड पावर ट्रेन्स की अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन यूनियंस ने इस बार कंसिडरेशन में ना ही सिर्फ आईसी इंजन को लिया है लेकिन हाइब्रिड एज वेल एज ईवी को भी कंसिडर किया है। उनके भी पॉल्यूशन को यहाँ रेगुलेट किया जाएगा, उनको भी मॉनिटर किया जाएगा। आने वाले यूरोपियन यूनियंस में जो है या फिर आने वाले लॉज में जो है आपको हो सकता है हाइब्रिड के ऊपर और इलेक्ट्रिक ईवी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दिखे, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दी ओईएम्स या मोस्ट ऑफ़ दी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हाइब्रिड और ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं और सब ने अपना टारगेट किया है कि 30-40% ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2030 तक ईवी रहने वाला है। अब अगर बात करी जाए हाइब्रिड के अंदर, अब हाइब्रिड के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें कंसिडरेशन में ली जाएंगी कि उनके उनकी व्हीकल किस तरीके से बिहेव कर रही है अलग अलग कंडीशन में, स्पेशली जब वो ईवी से आइस को चेंज करते हैं या जो स्विच ओवर होता है उस वक्त पे कितना पोल्यूशन हो रहा है, कोल्ड स्टार्ट में कितना पोल्यूशन हो रहा है, रियल ड्राइविंग में कितना पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से टोइंग कंडीशंस के अंदर क्या पोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़ें रेगुलेट होंगी और इसके ऊपर भी जो है हमें आने वाले यूनियंस के लॉज देखने को मिलेंगे भारत स्टेज 8 में या 7A में जो भी चेंजेस रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार जो है कोल्ड स्टार्ट को लेते हुए बहुत बड़ा रूल आने वाला है यूरोपियन यूनियन 7 की तरफ से जो प्रपोज किया गया है, जो भारत स्टेज 7 में भी हमें देखने को मिलेगा, वो है हमारा कोल्ड स्टार्ट बजट। अब होता क्या है कि व्हीकल के अंदर अगर मैं कोल्ड स्टार्ट की बात करूं तो कोल्ड स्टार्ट उस कंडीशंस को बोलते हैं जब अपनी व्हीकल को आप फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं या आपकी व्हीकल 8-10 hours जो है कहीं खड़ी रही है उसके बाद आप इंजन चालू करते हैं तो आपकी व्हीकल का जो टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है और जब वो लो कंडीशन से ऑप्टिमम हीटिंग मैनेजमेंट टेम्परेचर तक पहुंचता है उस वक्त पे वो कितना पॉल्यूशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट एमिशंस। तो अभी तक जो है इसको हम मॉनिटर नहीं करते थे यूरोपियन यूनियन 6 के में जो है और ये भारत स्टेट 6 में भी इसको मॉनिटर नहीं किया जाता, लेकिन अब जो है 7 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, BS7 के अंदर स्पेशली देखने को मिलेगा कि हम इसको कैप करने वाले हैं कि 10 किलोमीटर्स के अंदर आपका जो सिस्टम है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुँच जाना चाहिए। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल हीटेड कैटलिस्ट मिलेंगे ताकि जो भी मिशन उसमें से निकल रहे हैं, जो भी आपका टेम्परेचर अभी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा है उसको भी हम रिएक्ट करके वहीं पे जिसको ट्रीट करके टेल पाइप से बाहर निकालें। इसके अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा रियल ड्राइविंग एमिशंस देखने को मिलेंगे। सेम चीज़ या सेम पॉइंट जो है यहाँ पे कंसिडर किया गया है यूरोपियन यूनियंस ने कि आने वाली व्हीकल्स में, यूरोपियन यूनियन व्हीकल्स में या यूरो 7 व्हीकल्स में या BS7 व्हीकल्स में आपको रियल ड्राइविंग एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। अब रियल ड्राइविंग एमिशन एमिशंस में क्या होगा कि भारत स्टेज 7 में या यूरो 7 में जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपकी व्हीकल किस कंडीशंस में कैसे बिहेव कर रही है, कितना पॉल्यूट कर रही है, वो आपको रियल टाइम पता चलेगा ऑन दी डिपेंडिंग अपॉन दी ड्राइवर्स रिस्पॉन्स या ड्राइवर डिमांड, दूसरा इन्वायरमेंट उस पर कितना इफेक्ट डाल रहा है, उससे क्या इमिशंस निकल रहे हैं, उस बेसिस पे आपकी व्हीकल के इमिशंस को जज किया जाएगा एंड फिट टू ड्राइव या नॉन फिट टू ड्राइव जो है उसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि किस तरीके से इसके अराउंड लॉ बनेगा कि इसको लिम्फो मोड में डालेंगे या किस तरीके से हम इसको मॉनिटर करने वाले हैं या आपकी व्हीकल अगर ज़्यादा इमिशन कर रही है तो वो सब चीज़ें जो है अभी हमें और पता चलेंगी यूरोपियन यूनियन 7 में, यूरो 7 में किस तरीके से वो इसको फॉर्मुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और वही सेम चीज़ जो है हम भारत स्टेज 7 में देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंसिडर किया गया है इसके अंदर वो है हमारा ड्यूरेबिलिटी ऑफ़ योर कॉम्पोनेंट्स। ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो है हमारी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। आप देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियों में SCR की प्रॉब्लम आती है, सिलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे स्पेशली डीजल व्हीकल के अंदर। अब जो है यूरोपियन यूनियन ने क्या करा है, इसको यूरो 7 के अंदर कंसिडर किया है, इसको एक लाइफ साइकिल दी है कि आपके कॉम्पोनेंट इतने साल तक चलने ही चाहिए, इसके बियॉन्ड चलेंगे तो इट्स बेटर गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो ये नंबर सेट किया गया है वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिगरेशन किया गया है। अगर आपकी व्हीकल पेट्रोल है तो ये 2,50,000 फॉर 15 ईयर्स है, आपके कंपोनेंट इतने चलने चाहिए, इतना इसके ऊपर टेस्ट होना चाहिए और इतने इयर्स का जो टेस्ट है, जो आपके अलग तरीके के पवे टेस्ट होते हैं, वो इसको क्लियर करने चाहिए आपके ये कंपोनेंट्स। साथ ही साथ जो है डीजल व्हीकल के लिए इसके अंदर कंसीडर किया गया है 1,60,000 किलोमीटर प्लस 10 ईयर, तो इसके अंदर जो है 10 साल के लिए आपके कंपोनेंट्स 1,60,000 या फिर आपके कंपोनेंट्स जो है वह 1,60,000 तक जो है चलने चाहिए, पवे टेस्ट के अंदर ये परफॉर्म करने चाहिए। इस एज तक आपके कंपोनेंट या इस लाइफ साइकिल तक जो है आपके कंपोनेंट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने बहुत अच्छे रूल्स बनाए हैं और कंसिडरिंग अबाउट द भारत स्टेट 7 जहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी तो किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा वो हमें देखने वाली बात है। यूरोपियन यूनियन ने जो ये लॉ बनाए हैं उससे यूरोपियन मार्केट में क्या इफेक्ट डलता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इन डिटेल्स हम बात करने वाले हैं सारे कंपोनेंट्स के लेके कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर, और जब भी ये वीडियोस आएंगी तो आपको जो है बेल नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो आशा करता हूं आपको भारत स्टेज 7 में और यूरो 7 में पता चल गया होगा कि क्या चेंजेस आने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू भारत स्टेज 6।